हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन क्या प्रकाशिक यंत्र के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाशिक यंत्र होता क्या है। तो प्रकाशिक यंत्र क्या होता है? तो प्रकाशिक यंत्र ये होता है कि जैसे हम नग्न आँखों से क्या होता है, दूर की वस्तु को एक लिमिट तक ही देख पाते हैं। ठीक है, और पास में रखी इस वस्तु को एक लिमिट तक ही अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे और क्लियरिटी मुझे चाहिए देखने के लिए, और साफ तरीके से मैं देखना चाहता हूँ, या और बारीक तरीके से मैं देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए किसका उपयोग करूँगा? प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करूँगा। तो नग्न आँखों से जो चीज़ नहीं देखा जा सकता, वो प्रकाशिक यंत्र के थ्रू अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक यंत्र जो होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रकाशिक यंत्र जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला जो तरीका होता है वो होता है क्या, माइक्रोस्कोप। पहला तरीका क्या होता है? माइक्रोस्कोप, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। क्या बोला जाता है? सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। और दूसरा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अपने को पढ़ना है, वो कौन सा है? टेलीस्कोप। क्या होता है? टेलीस्कोप होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, दूरदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। नाम से पता है सूक्ष्मदर्शी पास की सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं। दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, बड़ा करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, दूरदर्शी का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। अब सूक्ष्मदर्शी में भी अलग अलग भाग होता है। तो सूक्ष्मदर्शी का जो पहला भाग होता है वो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। पहला वाला जो होता है वो कौन सा होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको बोला जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही ग्लास क्या, एक ही लेंस क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है, पावर ग्लास भी बोला जाता है। बचपन में याद करिए आप, है ना, एक पावर ग्लास लेके अपन आग में क्या कर अपन अपन क्या करते थे, सूर्य के प्रकाश में क्या करते थे, एक बिंदु पे प्रकाश को क्या करते थे, केंद्रित करते थे, और पेपर में अपन आग लगा देते थे। ज्योतिष लोग यूज़ करते देखे होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूसरा कौन सा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोला जाता है क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोला जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे दो लेंस लगे होते हैं, है ना। एक होता है अभिदृश्यक लेंस, दूसरा होता है क्या, नेत्रिका लेंस। जो वस्तु के पास होता है उसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आँखों के पास होता है उसको बोलते हैं क्या, आईपीस लेंस और नेत्रिका लेंस बोलते हैं। तो इसमें देखो, ये एक ही लेंस लगा होता है, तो जाहिर सी बात है इसके और दोनों में क्या होगा, बहुत बड़ा अंतर होगा, है ना। तो और भी ज़्यादा मेरे को मैग्नीफाइड करके देखना है, और भी ज़्यादा आवर्धित करके मेरे को देखना है, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, इसमें एक ही लेंस होता है, इसमें कितने लेंस होते हैं? दो लेंस होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कितने लेंसों का सिंपल माइक्रोस्कोप में सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है? तो एक लेंस का उपयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंसेज का? दो लेंसों का उपयोग किया जाता है। ये अपने को जानना है ना। ठीक, अब उसके बाद टेलीस्कोप की बात करता हूँ। टेलीस्कोप दो तरीके का होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग टाइप। और दूसरा होता है क्या, रिफ्रैक्टिंग टाइप। दूसरा कौन सा होता है? रिफ्रैक्टिंग टाइप होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग मतलब, रिफ्लेक्टिंग टाइप मतलब ये होता है कि आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप में मतलब बोल सकते हैं अपन क्या, परावर्तक, परावर्तक जिसमें परावर्तन होता है। और रिफ्रैक्टिंग मतलब होता है क्या, अपवर्तक टाइप, अपवर्तक टाइप जिसमें क्या होती है, अपवर्तन होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? न्यूटोनियन। पहला जो होता है वो न्यूटोनियन होता है, हिंदी में इसको न्यूटोनियन ही बोलते हैं, न्यूटोनियन टाइप। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कैसग्रेन टाइप, कैसग्रेन टाइप। तो ये दो तरीके का होता है क्या, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है, कैसग्रेन टाइप। ठीक है, तो ये न्यूटोनियन टाइप हो गया और कैसग्रेन टाइप हो गया। सेम वैसे ही अगर देखा जाए तो अपना जो रिफ्रैक्टिंग टाइप भी होता है वो भी कितने तरीके का होता है, ये तीन तरीके का एक्चुअली में होता है। तीन तरीके का मतलब कौन कौन सा, जिसमें अपवर्तन होता, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसके तरीके के हिसाब से। तो पहला होता है, आप जानते हैं पहला वाला कौन सा है, खगोलीय। पहला जो होता है वो कौन सा है, खगोलीय दूरदर्शी, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पार्थियो। कौन सा होता है? पार्थियो, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो कौन सा होता है, गैलीलियो। कौन सा होता है? गैलीलियो, इसको गैलीलियन टेलीस्कोप भी बोला जाता है, गैलीलियन
टेलीस्कोप। तो इस तरीके से देखा जाए तो तीन तरीके का ये भी होता है, ये कितने तरीके होता है, दो तरीके का होता है। अब बात आती है सिलेबस की, तो ACF के सिलेबस में जो देखा गया है, तो आपको स्पेशली ACF के सिलेबस में लिखा गया है सिंपल माइक्रोस्कोप और क्या लिखा गया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये दोनों के बारे में अपने को पढ़ना है। लेकिन जानना था अपने को कि दूर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते थे, ये पूरा डिटेल है उसका कि इतने इतने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। ये सबका उपयोग भी अलग अलग खगोलिक राशि जो पृथ्वी के बाहर उसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। जैसे पृथ्वी के बाहर इसमें क्या बनता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, खगोली में क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो पृथ्वी के बाहर है तो जैसे कोई गोल संरचना उसको उल्टा देखो चाहे सीधा देखो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये खगोली दूरदर्शी का अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पार्थिव दूरदर्शी क्या होता है, पार्थिव दूरदर्शी में क्या होता है, जो चीज़ें पृथ्वी के अंदर है और हमसे दूर है उनको देखने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, पार्थिव दूरदर्शी का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो पृथ्वी के अंदर है उसको सीधा देखने के लिए अपन इसमें एक लेंस यूज़ करते हैं और एक्स्ट्रा लेंस यूज़ करते हैं। इसमें दो लेंस होता है, इसमें कितना होता है, तीन लेंस। इसी तरीके से गैलीलियो भी क्या होता है, एक दूरदर्शी होता है। समझ में आ गया? तो अपने को बेसिकली हमारा जो सिलेबस है ACF का उसमें आप देखेंगे स्पेशली सिलेबस में लिखा गया है सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोली दूरदर्शी, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही चीज़ है, सरल सूक्ष्मदर्शी और क्या, खगोली दूरदर्शी। इन दोनों के बारे में अपने को क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये था आपका प्रकाशिक यंत्र के प्रकारों के बारे में, प्रकाशित यंत्र कौन कौन से तरीके का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल और ये अपन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें उसके अंतर्गत आता है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आता है। तो जो चीज़ें अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया? चलिए अब आगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दर्शन कोण होता क्या है। ठीक है, दर्शन कोण को बोला जाता है क्या, विजुअल एंगल। क्या बोला जाता है, विजुअल एंगल, दर्शन कोण, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, विजुअल एंगल। ठीक है, दर्शन कोण क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, मान लो हमारा आँख एक क्या है, एक लेंस की तरह कार्य करता है, सबको पता है आँख क्या होता है, एक लेंस होती है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या है, सामने वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु को देखने के लिए नेत्र के केंद्र पर मैं एक कोण बनाऊंगा। ठीक है, तो इस कोण को ही अपन क्या बोलते हैं, दर्शन कोण। तो मतलब ये वस्तु है, तो वस्तु को देखने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक कोण बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, दर्शन कोण कहलाएगा। तो ये वस्तु द्वारा निर्मित आँख के केंद्र पर क्या है, दर्शन कोण है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अल्फा जो होता है वो कौन सा कोण होता है, वस्तु द्वारा आँख के केंद्र पर या नेत्र के केंद्र पर, वस्तु द्वारा नेत्र के केंद्र पर, केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये अल्फा क्या है, एक दर्शन कोण है, किसका, वस्तु द्वारा नेत्र के केंद्र पर बनाया गया कोण होता है। ठीक है, मान लो इसी वस्तु का, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका क्या है, मान लो यहाँ पे एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैसे प्रतिबिंब तो मान लो ये आँख होगी तो यहाँ रेटिना बनेगा, उल्टा करोगे तो इस साइड बनेगा। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि वस्तु है और ये क्या है, मान लो उसका प्रतिबिंब है, तो इसके द्वारा भी क्या बनेगा, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो इस प्रतिबिंब का भी यहाँ पे क्या होगा, एक कोण होगा। तो इस प्रतिबिंब के द्वारा, ठीक है, बनाया गया कोण, तो ये जो कोण होगा वो कौन सा कोण कहलाएगा, बीटा कोण। तो ये क्या है, प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर, नेत्र पर या नेत्र के केंद्र पर, केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या कहलाएगी, बीटा कोण कहलाएगी। तो इस तरीके से दो तरीके का क्या होता है, दर्शन कोण होता है, पहला जो होता है वस्तु द्वारा नेत्र के केंद्र पर बनाया गया कोण होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र के केंद्र पर बनाया गया कोण होता है। लेकिन ये दोनों कंडीशन कब के लिए होती है, जब वस्तु जो होती है, है ना, जब वस्तु जो होती है वो कहाँ पे होनी चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होनी चाहिए। जब वस्तु कहाँ पर हो, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी पर
होनी चाहिए। तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए मतलब होता है डी, और डी का मान कितना होना चाहिए, तो डी का मान कितना होता है हमारे आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये चीज़ मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, एकदम पास से भी देख सकता हूँ, लेकिन जो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी इसको देखने के लिए वो कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होती है। समझ में आ गया। तो वस्तु द्वारा नेत्र के केंद्र पर बनाया गया कोण अल्फा होता है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र के केंद्र बनाया गया कोण क्या होता है बीटा होता है। कब की कंडीशन में, जब वस्तु जो होती है वो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंट बनता है, प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है, दर्शन कोण पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। तो प्रतिबिंब का आकार जो है किस पर निर्भर करता है, दर्शन कोण पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर, ये आपको पता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार जो है किस पर निर्भर करता है, दर्शन कोण पर निर्भर करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनता है उसका जो आकार है वो किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, विजुअल एंगल पर निर्भर करता है। किस पर, दर्शन कोण पर क्या करता है, निर्भर करता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके देखा जाए तो अल्फा जो होता है वो वस्तु द्वारा नेत्र के केंद्र पर निर्मित दर्शन कोण है, और दूसरा जो बीटा जो होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र के केंद्र पर बनाया गया क्या है, कोण होता है। समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो बनाया गया कोण होता है जो प्रतिबिंब के द्वारा, वो किसके द्वारा बनता है, प्रकाशिकी यंत्र के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है इसको, प्रकाशिकी यंत्र के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि आँख भी एक लेंस की तरह काम करता है, मतलब आँख भी क्या है, एक प्रकाशिकी यंत्र की तरह काम करेगा। समझ में आ गया। तो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी द्वारा जो होता है उसके द्वारा बनाया गया कोण होता है। तो नग्न आँखों से जो वस्तु को देख रहे हैं उसका जो कोण होगा वो अल्फा होगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस के थ्रू, आँख के लेंस के थ्रू, उसका जो बनाया गया कोण होगा आँखों के साथ वो क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। अब इसमें आता है आवर्धन क्षमता, क्या आती है, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता जो होती है जिसको बोलते हैं क्या, मैग्नीफाइंग पावर, क्या बोला जाता है, मैग्नीफाइंग पावर। तो ये आवर्धन क्षमता और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको M से क्या करते हैं, अपन डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र के केंद्र पर बनाया गया कोण मतलब बीटा, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, और वस्तु द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, अल्फा, मतलब प्रतिबिंब द्वारा नेत्र के केंद्र पर बनाया गया कोण तथा वस्तु द्वारा स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया गया कोण, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसको दिमाग में बैठा लो, तो इस बीटा और इस अल्फा का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, आवर्धन क्षमता कहलाएगा, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। और इसी मैग्नीफाइंग पावर का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं कोणीय आवर्धन, क्या बोला जाता है, कोणीय आवर्धन। कोण का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, बीटा और अल्फा क्या है, कोण है, इसलिए इसको बोला जाता है कोणीय आवर्धन, या इसी को बोला जाता है क्या, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो समझ में आ गया क्या होता है, तो बीटा और अल्फा का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है, मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। तो जितना भी अपन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे सबकी अपनी अपनी क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है। तो इसका मतलब बीटा और अल्फा के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, आवर्धन क्षमता बोला जाता है। यह दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आवर्धन क्षमता का ही एक और नाम है क्या, कोणीय आवर्धन, इसको भी आप दिमाग में बैठा लीजिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे पूछेगा, मान लो आवर्धन क्षमता का मान किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर लिख देगा, बीटा और अल्फा के अनुपात के बराबर होता है। या इसको थ्योरी के टर्म में तो भी पूछ सकता है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र के केंद्र पर बनाया गया कोण और वस्तु द्वारा स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नेत्र के केंद्र पर बनाया गया कोण का अनुपात, या बोल देगा कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन, या बोल देगा दोनों का एडिशन। तो आपको किस में टिक लगाना है, जो दोनों का अनुपात होगा बीटा, अपन उल्टा मत लिख देना, उल्टा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि बीटा और अल्फा का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो ये होता है क्या, दर्शन कोण और आवर्धन क्षमता। इतना समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या नाम है, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको बोला जाता है, इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है, मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके का ग्लास होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, आपको याद आ रहा होगा, ऐसा बाजार और मेले वगैरह मिलता रहता है ग्लास, जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी को बोलते हैं रीडिंग लेंस, है ना, रीडिंग लेंस मतलब पेपर वेपर पढ़ने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ज्योतिष लोग देखना, कुंडली देखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं इस तरीके से, है ना, तो कुंडली देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका नाम हो गया मैग्नीफाइंग ग्लास और रीडिंग लेंस। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए देखिए, सबसे पहले इसमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो आप याद कर लीजिए, उत्तल लेंस।
कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। इतना समझ में आया कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है, तो कम फोकस दूरी वाला क्या उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। इसमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फोकस दूरी अधिक होती है, कम होती है, तो कम फोकस दूरी वाला यहाँ पे क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले देखिए, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस है इस तरीके से। ठीक है, अब ये उत्तल लेंस के लिए ये क्या हो गई? वस्तु हो गई। ठीक है, तो पहली प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, दूसरी प्रकाश किससे जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, तो सीधी निकल जाती। सब नियम पढ़ा दिया हूँ, नियम ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं पे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये वस्तु हो गई, इस वस्तु का ये क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको जब यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, ये चित्र बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कैसे बनाना, किरण आ रहा है इसका। ठीक है, तो प्रकाश जब क्या है, मुख्य अक्ष समानांतर आपतित होती है, तो क्या होती है, किससे होकर जाती है? प्रकाश की फोकस से होकर जाती है। तो इस तरीके से क्या होगी? ये फोकस से होकर जाएगी ऐसा, और जहाँ पे ये दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये कट करेंगे, उस बिंदु पे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु हो गया, ये उसका क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। तो वस्तु की दूरी क्या हो गई? यू। ठीक है, और ये प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? वी हो गई। क्या हो गई? वी हो गई। समझ में आ गया? तो ये वस्तु हो गया यू, और ये हो गया प्रतिबिंब वी। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे वी को क्या लेके चलते हैं? डी लेके चलते हैं। इसमें दो केस बनता है। पहला केस कौन सा बनता है? तो फर्स्ट केस बनेगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब वेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिक्ट विजन, मतलब जो अंतिम दूरी है वो कहाँ, मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बढ़ रहा है? एट डी पे बढ़ रहा है। देख लीजिए वी की वैल्यू क्या ले लिए अपन? डी ले लिए। तो उस कंडीशन में इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, आवर्धन क्षमता जो होती है, एम इज इक्वल टू होती है 1 + d अपॉन क्या होती है? एफ होती है। ये दिमाग के बैठा लीजिए, 1 + d अपॉन क्या होती है? एफ होती है। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 + d अपॉन एफ हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो ये 1 + d अपॉन क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। कब की कंडीशन में? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेंगे। अब दूसरा केस इसी में देखिए ध्यान से, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, वेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तब क्या होगा? ध्यान से देखिए, इसी चित्र को मैं फिर से समझाता हूँ आपको। तो ये हो गया, पहली प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाती है। तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो अनंत पे बनेगा, इसका मतलब वस्तु कहाँ पे है? फोकस पे है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू F। तो ये अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे। तो हमेशा सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, कितने केस लेके चलेंगे? दो केस। पहला केस जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। दूसरा क्या लेके चलेंगे? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने? अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो अनंत पे जब बनेगा तो इसका फार्मूला हो जाता है M इज इक्वल टू डी अपॉन क्या होती है? एफ होती है। क्या होती है? डी अपॉन एफ होती है। दिमाग बैठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि जब सरल सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता का फार्मूला होगा, कितना होगा? 1 + d अपॉन एफ। तो ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पे बनेगा तो एम इज इक्वल टू फार्मूला होता है डी अपॉन एफ। तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन बन सकता है कि फार्मूला लिखने के लिए यहाँ पे फार्मूला के कंपेयर करने के लिए आपको पूछ सकता है। समझ में आ गया? तो ये दो कंडीशन होती है किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी में होती है। पहला कंडीशन जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने तो उस कंडीशन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने, तो यहाँ पर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी पे प्रतिबिंब कब बनता है? मैंने पढ़ा दिया है। कब बनता है? जब वस्तु कहाँ पे होती है? फोकस पे होती है। तो ये होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इतना क्लियर हो गया। और इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। कैसा है? आभासी है। आभासी तथा कैसा बनता है? सीधा बनता है, ये आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी, और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इतना समझ में आ गया, तो ये था आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का पॉइंट। चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं खगोली दूरदर्शी के बारे में। खगोली दूरदर्शी को बताता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसको? आकाशीय पिंडों को। तो आकाशीय पिंडों मतलब क्या है, जैसे मून है, सन है, स्टार है, तो ये सबको देखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, खगोली दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। दूसरा चीज़, खगोली दूरदर्शी में दो लेंस यूज़ होते हैं। कितने लेंस होते हैं इसमें? दो लेंस होते हैं। दोनों कौन से लेंस होते हैं? दोनों होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस होते हैं दोनों, ठीक है। तो इसमें दो तरीके का लेंस होता है, दोनों कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। एक जो होती है जो वस्तु के पास होती है, कौन सी? जो वस्तु के पास होती है। पहली वाली किसके पास होगी? वस्तु के पास। और दूसरी होगी किसके पास? नेत्र के पास होती है। दूसरी किसके पास होती है? नेत्र के पास। तो जो वस्तु के पास होती है उसको बोला जाता है क्या? अभिदृश्यक लेंस। क्या बोला जाता है? अभिदृश्यक लेंस बोला जाता है, जो किसके पास होती है? वस्तु के पास होती है। और इसका हिंदी इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। समझ में आ गया? तो दूसरा जो लेंस होता है वो किसके पास होता है? नेत्र के पास होता है। तो जो नेत्र के पास होता है उसको बोला जाता है क्या? नेत्रिका लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेत्रिका लेंस बोला जाता है। और ये इसको इंग्लिश से बोलते हैं क्या? आई पीस लेंस। क्या बोला जाता है? आई पीस लेंस बोला जाता है। तो समझ में आ गया? तो जो लेंस वस्तु के पास होती है उसको अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और जो लेंस नेत्र के पास होती है उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, आई पीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस। इतना समझ में आ गया? तो चलिए पहला, इसमें भी कितने केस बनेंगे? टोटल दो केस बनेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। और दूसरा जो केस बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो चलिए पहला देखते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? एक लेंस ले लिया। ये कौन सा लेंस है? तो अगर ये वस्तु के पास होगा तो कौन सा लेंस होगा? अभिदृश्यक लेंस होगा। तो मैं मान लिया ये कहाँ पे वस्तु के पास है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको बोलते हैं क्या? अभिदृश्यक लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो अपने को फिर दिक्कत होगी। तो ये कौन सा लेंस हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस में जो भी कंपोनेंट होगा यू वी एंड एफ, तो इसमें क्या लगा देंगे? यहाँ पे यू ओ वी ओ और क्या लगा देंगे? एफ ओ लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ? तो ये कौन सा लेंस हो गया अपना? ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके कंपोनेंट क्या होंगे? यू ओ वी ओ और साथ में क्या होगा? एफ ओ होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का वस्तु की दूरी है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की प्रतिबिंब की दूरी है, या ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या है? फोकस की दूरी। सबसे पहले देखिए, आकाशीय पिंड मतलब कहाँ हो गया? मून सन स्टार मतलब अनंत हो गया। तो यहाँ प्रकाश कहाँ से आएगी? अनंत से आएगी। तो एक जो प्रकाश है वो कहाँ होगी? मुख प्रकाशिक केंद्र से क्या हो रही? आपतित हो रही, सीधी निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश जो है कहाँ पे आ रही है? इस लेंस पे क्या हो रही है? इसके समानांतर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी? यहाँ से इस तरीके से निकलेगी। समझ में आ गया? अपवर्तित हो जाएगी। तो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वहाँ पे इनका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये हो गया पहला प्रतिबिंब, इसको ले लेते हैं क्या? ए डैश, और क्या ले लेते हैं? बी डैश। समझ में आ गया? तो वस्तु यहाँ पे क्या है? अनंत पे है। यू ओ क्या होगा? अनंत पे होगा वस्तु। और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है इसका? तो प्रतिबिंब इसका बनेगा वी ओ कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। क्यों? जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसका? फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया किसका? नेत्रिका लेंस का। ठीक है, अब दूसरा जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? वो भी कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो एक बड़ा होता है, दूसरा क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो बड़ी होगी किसके? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से। किसकी? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है? बड़ी होती है। मतलब एफ ओ इज ग्रेटर देन क्या होता है? एफ ई। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आप ACF का, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो नेत्रिका लेंस से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपना जो सेकेंड यूज़ हो रहा है वो कौन सा लेंस होगा? ये हो जाएगा नेत्रिका लेंस हो जाएगा। अब सेम चीज़, नेत्रिका लेंस में जो टर्म्स होगा वो वी यू ई और क्या होगा? एफ ई होगा। समझ में आ गया? तो ये उसके लिए क्या हो गया? वस्तु हो गया। ये जो प्रतिबिंब इसका जो बना है वो इसके लिए क्या बन जाएगा? वस्तु। तो ये जो वस्तु बनेगा तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? यू ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यू ई। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहला एक प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर, और दूसरी प्रकाश क्या होगी?
प्रकाशिक केंद्र में सीधी निकल जाएगी। तो जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो जब ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे तो इन दोनों का यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। तो जब मीट करेंगे तो यहाँ पे इनका क्या बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। तो अंतिम प्रतिबिंब मतलब ए डबल डैश क्या हो गया, ये बी डबल डैश हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इसका वस्तु कहाँ पे था, अनंत पे था। इसका प्रतिबिंब ये वाला बना, किसका, अभिदृश्यक लेंस का। अब ये अभिदृश्यक लेंस का जो वस्तु है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, इसका जो प्रतिबिंब है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा। और ये क्या बनाएगा, अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा। देखो तो उसमें एक ही लेंस था तो ज़्यादा आवर्धित नहीं था, तो इसमें और आवर्धन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, आवर्धित बन रहा है। तो समझ में आ गया यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये क्या है, इसकी वस्तु है तो यू ही हो गया, और ये इसका प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब है इसका तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगी, वी ई हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, जब वह अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब वी का मान क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो वी का मान क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इन ब्रैकेट वन प्लस एफ ई अपॉन क्या आती है, डी आती है। तो ये याद कर लीजिए, ये एम इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी आती है। इतना क्लियर हो गया? तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा आकाशीय दूरदर्शी में, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं क्या इसकी नली की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन पूछता है नली की लंबाई, नली की लंबाई स्पेशली आपके सिलेबस में दिया गया है ये आकाशीय दूरदर्शी के बारे में, तो वहाँ पे पूछ सकता है इसकी नली की लंबाई कितनी होगी। तो नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस यू ई। क्या हो जाएगी, नली की लंबाई जो इसकी होगी एल, वो कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस यू ई का हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेकर चलेंगे, माइनस नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 5 मीटर है और 3 मीटर है तो उत्तर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 5 माइनस 3 नहीं करेंगे, 5 प्लस 3 करेंगे, क्योंकि इसका जो साइन कन्वेंशन होता है नेगेटिव आता है, लेकिन अपने को क्या लेकर चलना है, इसको पॉजिटिव लेकर चलना है। तो एफ ओ प्लस क्या आ जाएगा, यू ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू ई। तो ये हो गया आपका क्या, इसकी नली की लंबाई, इस दूरदर्शी की नली की लंबाई कितनी होगी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो एफ ओ प्लस एफ ई। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है, एक आवर्धन क्षमता का, दूसरा नली की लंबाई का। समझ में आ गया ये? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्या अगला केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो सेम चीज़ है, देखिए ध्यान से, एकदम ईजी है। ये हो गया, ये हो गया पहली प्रकाश और ये दूसरी प्रकाश, जहाँ पे दोनों मिलेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहली प्रकाश दूसरी प्रकाश सीधी निकल गई, तो अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पे बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके समानांतर हो जाएगा। तो समानांतर होगा, जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं पे भी क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी प्रकाश कहाँ जाएगी, अनंत पे जाएगी। तो अनंत पे कब बनेगा, जब ये यू ई जो होगा वो कहाँ पे होगा, एफ ई पे होगा। कहाँ पे होगा, एफ ई पे। समझ में आ गया? जब इसका वस्तु कहाँ पे होगा, अनंत पे होगा, तब इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे, जब इसका वस्तु कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो ये इसका लॉजिक था। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो एम का मान आता है वो आता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। इसका डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है। तो एम इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। और इसमें नली की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी भाई, तो नली की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू एफ ओ तो रहेगा ही, क्योंकि ये अनंत से आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, एफ ओ पर बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। लेकिन अब यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ई हो जाएगी। तो यहाँ पे एफ ओ प्लस क्या लिख देंगे, एफ यू, क्योंकि वस्तु अनंत पे फोकस पे होती तभी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। इसलिए यू ई का मान क्या लिख देंगे, एफ ई लिख देंगे। तो ये क्या निकल गई, नली की लंबाई, दूरदर्शी की नली की लंबाई कितनी होगी, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगी। तो ये था आपका कौन सा टॉपिक, खगोली आकाशीय दूरदर्शी का। तो इतना क्लियर हो गया इसमें क्या क्या पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले इसमें लेंसों की संख्या कितनी होती है, दो लेंस, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो वस्तु के पास होता है उसको कौन सा लेंस बनते हैं, अभिदृश्यक लेंस, और जो नेत्र के पास होता है उसको कौन सा लेंस बोलते हैं, नेत्रिका लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें ध्यान से देखिए, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी जो है नेत्रिका फोकस दूरी से क्या होती है, ज़्यादा होती है, पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। समझ में आ गया? अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस, इसके जो कंपोनेंट है यू ओ वी ओ एफ ओ लिए हैं,
और नेत्रिका मतलब होता है आईपीस होता है, तो आईपीस का क्या लिए, वी यू ई और एफ ई लेके चले हैं। मतलब ई लगा हुआ है वो किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए है, और ओ लगा हुआ है वो किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, देखो नली की लंबाई एफ ओ प्लस यू ही हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगी। समझ में आ गया। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि अंतिम प्रतिबिंब जब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो यहाँ पर एम का मान क्या होगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी, और नली की लंबाई क्या हो जाएगी, एफ ओ प्लस मोड ऑफ यू ही हो जाएगी। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो उस कंडीशन में एम इज इक्वल होता है माइनस एफ अपॉन एफ ई होता है, और नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगी। तो जो जो पॉइंट्स यहाँ से बन सकता था मैंने आपको पूरा बता दिया। तो इतना आपको डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ के जाना है, स्पेशली आपके सिलेबस में लिखा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोली दूरदर्शी के बारे में आपको पढ़ना है। खगोली मतलब आकाशीय दूरदर्शी के बारे में आपको पूरा पढ़ना ही है, मान के चलिए सिलेबस में स्पेशली ये दोनों टॉपिक को हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ से थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए ACF का एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2016 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था एक दूरदर्शी अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः एफ ओ और एफ ई है, इनके बीच संबंध होगा। तो मैंने बताया था आपको कि ये क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस होता है, और ये क्या होता है, नेत्रिका लेंस होता है। तो ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। और इसके कंपेयर में इस अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो मान लो एफ ओ है, ये क्या है, नेत्रिका लेंस, आईपीस लेंस की क्या है, एफ ई है। तो हमेशा याद रखिए, तो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो नेत्रिका लेंस के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, ये साइज में बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि दूरदर्शी की बात करें तो दूरदर्शी में ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें ये बड़ा होता है और ये वाला क्या होता है, छोटा होता है, जस्ट उल्टा होता है। लेकिन दूरदर्शी में क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस क्या होती है, छोटी होती है। तो इसका जो फोकस दूरी है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है, और साथ ही साथ क्या होती है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, छोटी होती है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी जो है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो F का मान दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। यदि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब D का मान दिया गया है कितना, 25 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है, आवर्धन क्षमता होगी। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है जब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो M इज इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन क्या होता है, F होता है, ये आपको पता है। तो 1 प्लस D की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई, और F का मान कितना हो गया, 5 हो गया। देखो ये D जो है माइनस में होता है, लेकिन हमेशा आवर्धन क्षमता के सूत्र में अपन क्या नाम मान रखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण पुट करते हैं, परिमाण पुट करते हैं, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, तो 5 × 5 = 25, और ये कितना हो गया, 6। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी है वो कितना गुना आवर्धन करेगा, 6 गुना। मतलब वस्तु की अगर प्रतिबिंब, अगर वस्तु जो है एक्स सेंटीमीटर है तो वो कितना हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब 6x सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कितना आवर्धित करता है, वो 6 गुना क्या करता है, आवर्धित करेगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 6। तो इतना क्लियर हुआ। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी का एक सरल क्वेश्चन था ये। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा पावर या क्षमता का उपयोग किया गया है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की उत्तल लेंस की क्षमता 25D है ना, ये प्लस 25D अपने को दी हुई है। मतलब पावर ऑफ द लेंस दिया है, मतलब पी का मान दिया है 25D अपने को दिया हुआ है। यदि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब D का मान कितना हो, 25 सेंटीमीटर, ये हमेशा लेफ्ट साइड होता है तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन अपन क्या है, अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, आवर्धन क्षमता निकालेंगे, तो हमेशा क्या लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता होगी, तो डी के केस में एम का मान होता है 1 + D / F होता है। तब इसमें एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भाई एफ का मान तो नहीं दिया, तो सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, एफ का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है जो क्षमता होती है लेंस की, लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ द लेंस होती है, वो क्या होती है, 100/F, अगर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ तो ये 100/F हो जाएगा, इन सेंटीमीटर होती है। समझ में आ गया। तो यहाँ से जब F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए P का वैल्यू कितना दिया, 25, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा F, इन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जब F का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100/25, है ना भाई, एफ को ट्रांसफर कर दिया, 25 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एफ निकाल, इसे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली एफ का मान दिया था, लेकिन यहाँ पे एफ का मान नहीं दिया है, तो अपने को लेंस की क्षमता के सूत्र का उपयोग करके क्या निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा डी की वैल्यू 25, और एफ कितना आ गया, 4। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 4 × 24, 6.2, और ये हो जाएगा 5। तो ये आंसर आ जाएगा 7.25।
तो ये हो गई क्या हमारी आवर्धन क्षमता का मान 7.25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो एकदम बारीक से बारीक चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, उसको पकड़ के रखिए, आसानी से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। डेफिनेटली बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे आप, अच्छे समझोगे, तो यहाँ से बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक और संभावित प्रश्न देखते हैं, हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, एक खगोल दूरदर्शी के लिए अभिदृश्यक और नेत्रिका की क्षमताएं क्रमशः 0.5D एवं 20D है। मतलब अभिदृश्यक के लिए PO लेते हैं और नेत्रिका के लिए क्या लेते हैं? PO, लेंस की क्षमता मतलब पावर है ना। तो PO का जो मान दिया वो कितना दिया है? 0.5D दिया है, और P का मान दिया हुआ है 20D। ठीक है, अब देखिए, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी, अनंत पे बन रहा है। तो क्षमता का फार्मूला होता है m = -f/e। कब की कंडीशन है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है, मैंने बता चुका है। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, देन आवर मैग्नीफाइंग पावर -f/e होता है। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेरे को एफ और एफ ई की वैल्यू क्या है? नहीं दी हुई है, हमने को पीओ पीओ और पीई की वैल्यू दी हुई है। तो आपको पता है P = होता है 100/f इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेकर चलते हैं, आप चाहो तो मीटर में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, क्योंकि दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब जब f निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 100/p हो जाएगा। ये अभी सेंटीमीटर में लेकर चल रहे हैं अपन, चाहे तो आप मीटर में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखते हैं, अभिदृश्यक लेंस के लिए देखता हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या हो जाएगा? FO = 100/PO। ठीक है, और इसी को अगर मैं किसकी बात करता हूँ, नेत्रिका के लिए बात करता हूँ, तो नेत्रिका के लिए क्या हो जाएगा? FE = क्या हो जाएगा? 100/PE हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अभिदिशा के इसलिए वो लगा दिए ऑब्जेक्टिव लेंस, और नेत्रिका है मतलब आईपीस है, तो क्या लगा दिए? E लगा दिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जब इन दोनों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/PO, और ये 100/ क्या हो जाएगी? PE हो जाएगी। एफ और एफ ई की वैल्यू 100/100 क्या हो गया? कैंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा -PE/ क्या आ जाएगा? PO आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, -PE/ क्या आ गया? PO आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए एक संबंध मर रहा है, FO/FE = PE/ क्या होता है? PO होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो F जो होता है वो P के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्यतिक्रमानुपाती होता है, ये आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है खगोलीय दूरदर्शी के लिए FO/FE का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन को आगे पीछे करके पूछ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? FO/FE = PE/PO। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, PE की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20, और PO कितना दिया हुआ है? 0.5। तो ये हो जाएगा 200, डेसिमल हटा देंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे सामने माइनस भी है, अब एक देखिए 5 × 4 = 20, और ये जीरो हो गया, तो कितना आ गया आंसर? -40। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? -40। तो कितना गुना वो बड़ा आवर्ती प्रतिबिंब बनाएगा? 40 गुना आवर्ती प्रतिबिंब बनाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? कौन सा आंसर होगा? सी वाला ऑप्शन होगा, थर्ड वाला, -40। इतना क्लियर है? उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने क्या किया? सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी का पार्ट क्या किया? कंप्लीट किया, जो आपके एसीएफसी के सिलेबस में दिया हुआ था। इसके अलावा जो टॉपिक है वो कौन सा बच गया आपका? सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और कौन सा टॉपिक है? एक सेल का टॉपिक बचा हुआ है। तो ये थ्योरी पार्ट है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, जो भी बुक्स है, जो भी नोट्स है, उससे उठा के आप डायरेक्टली उसको पढ़ सकते हैं, एक थ्योरिटिकल पार्ट है। तो अगर उसमें भी आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे आके वो कंसल्ट कर सकते हो, या आप जैसे भी आप व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जो भी है उसके थ्रू आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ संभावित प्रश्न भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।